घरेलू स्थिति खराब थी करके हम यहाँ दूसरे के साथ आए थे सऊदी अरब जाने के लिए 94 में, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि हमारा जाना हो नहीं पाया। प्लेग की बीमारी चालू हुई थी उस वक्त, तो उसमें क्या हमारा जाने का कैंसिल हो गया, पैसा भी गया, सब कुछ गया मेरा। और वहाँ से आने के बाद मैं बेरोज़गार हो गया। तो एक मुस्लिम समाज के हैं बांद्रा में, तो वहाँ उनके घर में उनके साथ रहना शुरू किया, तो उन्होंने थोड़ा काम पे लगवा दिया। इस तरीके से हमने अपना 1000 रुपये महीने में काम चलाया, धीरे धीरे उसी में अपना गुजारा चलता था। फिर कुछ समय बीता तो दूसरी जगह नौकरी पे लगे, तो वहाँ हमारा 2500 रुपये पगार हुआ, और वहाँ भी हमने यही काम अपना बैंगल्स का ही करना चालू किया नौकरी के साथ। वहाँ से थोड़ा काम जब ज़्यादा आने लगा तो गोवंडी में हम करीब 99 में यहाँ आके एक इस तरीके से चालू किए दुकान कि दूसरे ने चालू किया और हमको सेल्स के रूप में रखा कि आपको इतना 2% मिलता रहेगा, मतलब एक पीस पे 2 रुपये। फिर हमने अपना फेरी का धंधा चालू किया, जैसे गली गली घूम के अपना घर बार चलाया। तो फिर उस वक्त हमारी फैमिली नहीं थी, उसके बाद फिर थोड़ा दिन निकला फेरी करते कराते, तो हमारा छोटा भाई ये है ये आगे, फिर अपने वाइफ को बुलाया, वो लोग ने फिर साथ दिया। तो हमने अपना ये धंधा होलसेल में माल अंधेरी से ला के करना चालू कर दिया। उस वक्त तो हमें जब यहाँ आए थे परेशानी का हिसाब था, जब तब तो हमें गांव अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जब कुछ दिन हमारे बीत गए, परेशानी के दिन निकल गए, हमने अपना खुद का काम किया, तो उस वक्त हमको यहाँ ऐसा फील हो रहा था कि बस यहाँ बहुत अच्छा है उस टाइम में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ गोंडी एरिए का इतना प्रदूषण गंदा होता चला गया, जिस तरह हर सांस के अंदर गंदगी जा रही है, हर सांस के अंदर बदबू है। जैसे आज इतनी जनसंख्या है बैगनवाड़ी की, इतनी नहीं थी, जनसंख्या कम थी, उस हिसाब से गंदगी भी कम होती थी। आज का दौर ऐसा हो गया है कि अभी कम से कम 14-15 साल का पीरियड है, इसके बीच में पब्लिक इतनी बढ़ी है बैगनवाड़ी गोंडी एरिए के अंदर, जिधर देखिए उधर टोटली पब्लिक इधर ही को भाग के आ। ये गंदगी से एसिडिटी से दूसरी तमाम बीमारियां अंदर लग गई। उसका मैंने टोटली ये पैसा खर्च भी किया, सब चेकअप कराया, इलाज कराया, आज भी मेरा दवा चल रहा है। 5 महीने से मैं खाने को खाना ही नहीं समझ रहा हूँ, ऐसा हो गया है। क्योंकि यहाँ पे डंपिंग है, टोटली गंदा चीज़ जितना भी है सब सारी गंदगी यहीं पे आती है। बीड़ जिला है हमारा, तालुका माजल गांव था पहले, अभी परली वजन आते पोल पिंपरी कोट गांव, ऐसे 2 गांव है, लेकिन मैं तो सिरसाला गांव में था, परली वजनाथ तालुका में। तो वहां से तो यहां मुंबई आया हूँ। 1993 में हम गांव से सीधे मुंबई आए। मुंबई में हर लोग क्यों आते हैं कि अपने परिवार को कैसा संभाला जाए, रोजेंदारी बेरोजगार होता है तो मुंबई में उसको काम करके अपना घर वगैरह चलाना पड़ता है, इसी के लिए गांव से यहां आने का। और दूसरी बात है, गांव में खेती रहती है तो पानी नहीं होता है, पानी होता है तो टाइम के ऊपर वहां पे वो कैनल का जो पानी होता है, डैम वगैरह होते हैं, तालाब होते हैं, उसका पानी जो 1 महीने में 1 ही बार आता है वो भी बराबर खेती को मिलता नहीं, उसी की वजह यह घर चलता नहीं है, उसी के लिए मुंबई में आके रोजेंदारी करनी पड़ती है।
मुंबई में आने के बाद में हमने पहले स्टार्ट में माहिम रहेज हॉस्पिटल वहाँ पे काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया, और उसी के बाद में ऐसा धीरे धीरे करके लेबर एक 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 बढ़ा के लेबर कंस्ट्रक्शन का बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और मुकदम का काम लेके अपना उधार निर्वाह करना चालू कर दिया। मैं खुद कढ़िया का काम करता था, बांध काम, प्लास्टर और जो डिसल्टिंग का काम होता है नाले सफाई या मोड़ का वही भी करते थे। उसके बाद में यहाँ पे आके एक साधारण एक झोपड़ा बनाया और झोपड़ा बनाने के बाद में यहाँ पे रहने लगे। ये तो पूरी खाड़ी थी, हम पहले ये तो हवे रोड है उसी के ऊपर रहते थे, नाले के वो बाजू रहते थे, वहाँ से मिट्टी भरते भरते भरने करके करके इतनी बार डेमोलिशन हुआ है यहाँ पे। 2000 से जो डेमोलिशन चालू किया उन्होंने 2006 2007 8 9 10 एक साल में से कम 20 या 25 बार तोड़ने का, बारिश होने दो या धूप होने दो। मुंबई में तो सबसे बड़ा गुंडा राज है बिल्डर लोगों का, तो गरीब इंसान काम है अब हो भी नहीं सकता है, वो अपनी मेहनत पे खाड़ी वगैरह मिट्टी भर के जैसे घर बना लेता है तो फिर बिल्डर लोग आके बताते हैं एंड टाइम के ऊपर कि ये हमारी जगह है, वो तो कब लेते हैं कब देते हैं तो हमें भी पता नहीं है। बिल्डरों को लीज के ऊपर जगह मुंबई में दी जाती है लेकिन बस्ती वालों को नहीं दी जाती है। ये जगह खाली करेंगे तो और जाने के लिए मुंबई में तो कहाँ जगह है नहीं और जा भी नहीं सकते। मुंबई में आके तो रोज़गार से ज़्यादा बेरोज़गार हो गए सब। यहाँ पे रहने के बाद बीएमसी बार बार इस घरों को उजाड़ते हैं और इसी में पूरा रोज़गार का खर्चा चला जाता है, काम भी बराबर मिलता नहीं है। जब से जे एम बी नगर में है परेशानी तो बहुत है। मेन पहली बात तो पानी नहीं है, पानी 2 किलोमीटर से लाते मांग के या 10 रुपये कैंट से खरीदी करना पड़ता है। लीगल कलेक्शन लेने के लिए गए तो 95 का पुरावा मांगते हैं, तो वो तो पुरावा हमारे पास है नहीं। आज हमारा ऐसा नौबत आया है कि हमें यहाँ छोड़ के जाना पड़ रहा है, अपना जीता जागता संसार जो कमाते खाते हमको फिर भी जाना पड़ रहा है मजबूरी, क्योंकि गंदगी का कारण पानी का प्रॉब्लम है। मेहनत बहुत किया है इस जगह के लिए, इसको मिट्टी बहुत ज़्यादा भरे है और ये जगह तो नहीं छोड़ना चाहते हैं। अभी तो देखते हैं, लड़ाई चालू है।